खोजा ने क्या विश्वास करके बपतिस्मा लिया? इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया ये बताओ मुझे। ये जो खोजा है यीशु मसीह पर क्या विश्वास करके बपतिस्मा ले रहा था, आपने क्या सोच के बपतिस्मा लिया? दीदी ने प्रचार करेंगे तो समझ नहीं आएगा, पूछूंगा तो जरूर समझ आएगा। बोलो आपने क्यों बपतिस्मा लिया व्यर्थ में? आपने क्या सोच के बपतिस्मा लिया कि मुझे बपतिस्मा लेना है? अपना बताओ रीजन, ऐसा नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है इस कारण से, अपना कारण क्यों लिया आपने वो बताओ। तो उस यीशु मसीह के बारे में आपने क्या सोचा? ठीक है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, लेकिन वो व्यक्ति कौन था? विश्वास आपका सही है, गलत नहीं, ये विश्वास होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति कौन था जो क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा? उस समय आपको मालूम था? क्या ये विश्वास किया आपने? क्या इस बात के बारे में आपने जाना उस समय? थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो अब दीदी आपने क्यों बपतिस्मा लिया, क्या सोच के बपतिस्मा? कुछ कारण होता है, कुछ रीजन होता है ना। मेरे गांव में भी जब शुरू में बपतिस्मा लेने के लिए लोग गए तो लोगों ने कुछ लोगों ने सोचा बाइबल में लिखा है बपतिस्मा लेने के बाद हाथ रखोगे बीमारों पर चंगे हो जाएंगे, तो कुछ लोगों ने सोचा मैं बपतिस्मा लूंगा तो आज के बाद हाथ रख के चंगे हो जाएंगे लोग। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे गांव में कुछ लोगों ने ये सोचकर कि अब मैं बपतिस्मा लूंगा तो कल के दिन हाथ रखूंगा तो लोग चंगे हो जाएंगे, ये सोचकर बपतिस्मा लिया। और कुछ लोग ऐसे थे जो बीमार थे, वो क्या कह रहे थे, बपतिस्मा लेने के बाद मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, ये सोचकर बपतिस्मा लिया। कुछ दुष्टात्मा से ग्रस्त थे, वो लोगों ने सोचा कि बपतिस्मा लेने से मेरी दुष्टात्मा मेरे जीवन से चला जाएगा, ये सब रीजन उनके थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने क्यों बपतिस्मा लिया, क्या विश्वास करके बपतिस्मा लिया, क्या विश्वास किया यीशु मसीह कौन है करके? ओके ठीक है, तो अभी तक क्यों नहीं बोला, क्या आप लेके सीखा इधर उधर से? ये खुद आपके अंदर होना चाहिए, ये सीखने की बात नहीं, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए। जब जिस चीज को फॉलो करें आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों उस पर विश्वास कर रहा हूं, वो कौन है। ठीक है, उनका बपतिस्मा जैसे भी हुआ आप दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझना है कि वो मेरे लिए क्या है। यीशु मसीह जानना चाहता है कि आप उसके बारे में क्या कहते हो। इसी विषय में हमने सीखा था कि नहीं पिछले बार, जो लोग नहीं आए थे उनको मालूम नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो जब आप एक वचन देखते, एक वचन निकालें, प्रेरितों के काम 8:37, ध्यान देना है। बपतिस्मा, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा क्यों लेना है, क्या विश्वास करना है बपतिस्मा लेने से पहले। यह मत सोचना कि मैंने बपतिस्मा इसीलिए लेना है कि जब हाथ रखूंगा तो लोग चंगे हो जाएंगे, यह सोचकर बपतिस्मा मत लेना कि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी इसीलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। ये अलग पार्ट है जो आप विश्वास करते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले आपको क्या विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में दे में भारी दे में प्रकट करने के लिए कि मैंने उसको ग्रहण किया है, आपको क्या समझना है। यहां पर वचन पढ़ो, एक यहां पर लिखा है फिलिप्पुस ने कहा, क्या लिखा है, फिलिप्पुस कौन था, प्रभु का दास। ओके, 8:37 में लिखा है फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। आपको ध्यान देना है, एक व्यक्ति है उसको बपतिस्मा लेने जाना है, उसको बपतिस्मा लेना है, लेकिन बपतिस्मा से लेने से पहले फिलिप्पुस उसको कहता है यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो। कब बपतिस्मा ले सकता है? सारे मन से विश्वास करता है तो। अब ये सवाल है कि क्या विश्वास करना है। कुछ लोग बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास करते कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, बपतिस्मा ले लो, लेकिन ये बपतिस्मा सही नहीं। बपतिस्मा लेने से पहले आपको क्या विश्वास करना चाहिए, ये विश्वास फिलिप्पुस ने उसको नहीं बताया कि तुझे ये विश्वास करना पड़ेगा, बल्कि खोजा समझ गया कि यीशु मसीह कौन है, जानना है यीशु मसीह कौन है, जिसके विषय में पुराने नियम में बताया गया है जो आने वाला मसीह होगा वो कौन होगा, यीशु। तो फिलिप्पुस उसको बोलता है अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो। उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। यानी कि वो विश्वास करता है कि जो यीशु मसीह है उद्धार करने वाला है, हमारे पापों से हमें आजाद करने वाला है, वो मसीह है करके विश्वास करता है, तब बपतिस्मा लेता है। लेकिन आपको चेक करना है कि मेरा बपतिस्मा क्यों हुआ है।